हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, 70,000 शिक्षक भर्ती के बैकग्राउंड में अगर हम चलें, यानी कि पीछे का जो समय है अगर उसको देखें, तो लगभग उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 113,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 72,712 पद रिक्त हैं। पिछले 3 सालों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद स्थिति में छात्र शिक्षक अनुपात में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 51,112 पद रिक्त थे और इसका हलफनामा आपको पता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है। फिलहाल स्कूलों में शिक्षकों के कुल 70,000 से अधिक पद रिक्त होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी कर सकते हैं। बहुत कम समय आपको लगेगा जब ये भर्ती आपके सामने आ जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंह की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को लगभग पूरा कर चुकी है। अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET की डेट आ गई है 28 नवंबर, तो अब ये निश्चित हो गया है कि आगामी कुछ ही समय में आपको एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट नियर अबाउट तैयार है और अब बहुत जल्दी आपको एक नई शिक्षक भर्ती का स्वागत करने को तैयार रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के 356, एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और प्रोफेसर के 70 पदों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जा रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, इसको आप बुरी बात भी मान सकते हो, कि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं है। यह प्रक्रिया बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको जो है जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी तो आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 4 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नोटिफिकेशन आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक भर्ती के लिए 28 सितंबर को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 4 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल 596 पदों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है विषयवार वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो यहाँ पर जो कॉलम रहेगा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पहले है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, देन आफ्टर प्रोफेसर की पद हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्राचीन इतिहास में आप देख सकते हैं 16 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, 12 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और 5 पद हैं प्रोफेसर के। इसी प्रकार से मानव विज्ञान, अरबी फारसी, एटमोस्फेरिक एंड ओशियन स्टडीज, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी में 14 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। पदों की संख्या आप यहाँ पर देखते रहिए, बहुत अधिक पद हैं तो सभी के नाम लूँगा और अलग अलग बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आप देखते रहिए यहाँ पर। जैसे कि और जो विषय आपका है तो उस समय आप वीडियो को पॉज करके उसको देख लीजिएगा। बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रक्षा अध्ययन, अर्थशास्त्र और प्लानिटरी साइंस। अर्थशास्त्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 पद हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के, 7 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के, 2 पद यहाँ पर प्रोफेसर के रखे गए हैं। देन आफ्टर आप देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र में 12 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, 7 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर और 2 पद हैं प्रोफेसर के। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, फिल्म एंड थिएटर, फूड टेक्नोलॉजी, गांधीयन इंस्टीट्यूट, भूगोल, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज, साथ ही साथ होम साइंस, इंडियन डायस्पोरा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, विधि, मटेरियल साइंस, गणित, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, संगीत एवं प्रदर्शन कला, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दर्शन शास्त्र, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन,
शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, साउथ एशिया एंड इंटरनेशनल स्टडीज, स्पेस स्टडीज, सांख्यिकी, उर्दू, विजुअल आर्ट और जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में 21 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, 5 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और 2 पद प्रोफेसर के हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्त पद हैं इनकी संख्या आपने देखी, और अगर इस पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, जहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड 2017 के प्रशिक्षुओं को जल्द मिलेगा प्रमाण पत्र। तो ऐसे डीएलएड के जो अभ्यर्थी होंगे वो अब यूपीटीटी में भी आवेदन कर पाएंगे। तो डीएलएड 2017 के लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बहुत जल्द अंक पत्र मिल जाएंगे। सचिव पीएनपी ने सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को प्रमाण पत्र वितरण के लिए पत्र लिख दिया है। अभ्यर्थी कई महीने से अंक पत्र दिए जाने की मांग कर रहे थे, ऐसे में ये अभ्यर्थी अब यूपीटीटी 2021 की परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पत्र में लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2017 के समस्त सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, उनके अंक पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020 के फिजिकल टेस्ट यानी कि पीटी और पीएसटी का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। 26 फरवरी और 30 मार्च को घोषित पेपर वन के परिणाम में कुल 28,227 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किए गए थे। इसमें 11,164 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में उपस्थित हुए और 17,063 अनुपस्थित थे। कुल 11,164 अभ्यर्थियों में से 5,572 अभ्यर्थी 8 नवंबर को प्रस्तावित पेपर टू के लिए सफल हुए हैं। तो पेपर टू के लिए प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, डीलेड की 28,384 सीटें जो है वो आवंटित कर दी गई हैं 2020 प्रवेश के लिए, और दूसरे चरण में 28,384 सीटें आवंटित की गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को आवंटन जारी कर दिया है। दो चरणों में अब तक कुल 41,359 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। 22 सितंबर से शुरू हुई ऑनलाइन काउंसलिंग के दो चरणों में 1 लाख अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा चुका है। पहले चरण में 12,975 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ था। डायट की कुल 10,600 सीटों में पहले चरण में 7,944 और दूसरे चरण में कुल 1,744 सीटें भरी गई हैं। निजी कॉलेजों की कुल मिला के 31,671 सीटें अब तक भरी जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखिए, करंट अफेयर का जो वीडियो 2-3 दिनों से आपको नहीं मिला है वो आज दोपहर तक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट अब जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।